हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमा मिनिस्ट्रीज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो चुका है। और चलिए हम लोग थोड़ा वर्शिप करते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ हम स्टार्ट करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। चलिए दोस्तों, आपको एक शेयर करते हैं एक स्टोरी। आइए अंदर आ जाइए, आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक रिवर है यहाँ पर, जो कि इस जगह को रिवर फ्रंट के नाम से जाना जाता है। तो इस रिवर से एक कहानी याद आती है। एक बार एक गरीब व्यक्ति होता है, वो एक नाव बनाता है और समुद्र में चला जाता है अपनी नाव को लेकर, और उस नाव में वो सिर्फ अकेला होता है। अचानक से क्या होता है कि नाव डगमगाने लग जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे, पानी यहाँ पर अभी एक लेवल पर है, अगर लेकिन पानी बढ़ जाएगा तो जो नाव होगी वो डगमगाने लग जाएगी, नाव हिलने लग जाएगी। तो उसी तरीके से जो वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो एक नाव बनाता है और नाव बनाने के बाद वो समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में जब वो नाव चला रहा होता है, उसमें एक लहर, उसकी लहरें डगमगाने लग जाती हैं, नाव हिलने लग जाती है, और अचानक से वो व्यक्ति क्या करता है, लाइफ जैकेट पहनकर नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वो तैरते 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 एक आइलैंड में पहुंच जाता है, एक टापू में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो उसको चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं टापू में रहना कितना मुश्किल होता है, वहां पर कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती है। तो वहां पहुंचने के बाद वो व्यक्ति सोचता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का कुछ घात नहीं किया, किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में प्रभु आप ऐसा काम क्यों कर रहा है, मुझे क्यों यहाँ पर आना पड़ा, मेरा क्यों सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वहाँ पर टापू में पहुँचने के बाद उसको ये यकीन होता है, एक दिन दो दिन वहाँ रहता है तो उसको लगता है कि अब मुझे यहीं छोटा कुछ झोपड़ी बना लेना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पर रह सकूँ, यहाँ पर गुजर बसर कर सकूँ। तो वहाँ पर एक वो झोपड़ी बना लेता है और वहाँ पर वो रहने लग जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, हम लोग सोचते हैं जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आगे अगर आप कहानी को सुनेंगे तो आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो वो व्यक्ति जब वहाँ पर अपना एक झोपड़ी बना लेता है, झोपड़ी बनाने के बाद अचानक से क्या होता है, एक दिन मौसम बिगड़ जाता है और बहुत वर्षा होने लग जाती है, आकाश में बिजलियाँ कड़कने लग जाती हैं। तो एक बिजली कड़क कर क्या होती है, उसी के झोपड़ी के ऊपर गिरती है और उसकी झोपड़ी अचानक से जल जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि वो व्यक्ति वो झोपड़ी के अंदर नहीं होता है, वो बाहर खड़ा होता है। उस समय वो आसमान से बिजली गिरती है और उसकी झोपड़ी जल जाती है। और उसी समय, उससे थोड़े से मिनट बाद वहाँ पर
दो व्यक्ति नाव से आते हैं उसी समुद्र में जहां वो डूब रहा होता है, जहां वो लाइफ जैकेट्स में बचकर उस टापू पर आता है, उसी समुद्र से दो व्यक्ति नाव पर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि उन दो व्यक्ति से कहता है कि मेरा कुछ इसमें दोष नहीं है, मैं वहां पर रहता था, इस शहर में रहता था, मैं ऐसा ऐसा मेरे जीवन में परिस्थिति, अपनी सारी कंडीशन बताता है। लेकिन वो दो व्यक्ति एक ही बात कहते हैं कि अगर तेरे टापू पर इस झोपड़ी पर बिजली ना गिरी होती तो हम लोग यहाँ पर ना आ पाते, हम लोग यहाँ पर तुझे बचाने के लिए ना आ पाते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कई बार क्या होता है, हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग अपनी परिस्थिति में अकेले, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पतरस और चेले लोग नाव पर थे, नाव डगमगाने लग गई, लेकिन उस नाव पर यीशु मसीह वहाँ पर अवेलेबल था। तो अगर हमें एक बात सोचना है कि हम अगर सोचें कि हमारी परिस्थिति में सिर्फ हम अकेले हैं, हम हताश हैं, निराश हैं, कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की मॉर्निंग में कि यीशु मसीह आज हमारे साथ में है, यीशु मसीह आज हमारी परिस्थिति में अवेलेबल है। अगर हम विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। तो आज आप निराशित मत होइएगा, आज की मॉर्निंग में ये वचन आपको देकर मैं मोटिवेट करता हूँ कि यीशु मसीह आपकी नाव में है, यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों में है। तो आइए चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं अभी तक आपने संभाला है ये अच्छे मॉर्निंग के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कहानी हमने शेयर किया उसमें आपने बताया कि कैसे प्रभु जी आप हमारी परिस्थिति में निरंतर रहता है, भले ही परिस्थिति हमारी विपरीत होती है लेकिन आप हमारे साथ में हमेशा बना रहता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू, खुदा आप उनको भी आशीष करिए, यदि कोई हताश है, निराश है खुदा, तो आप उनके साथ में रहिए खुदा, आप उनको मोटिवेट करिएगा। आज का वचन, आज की आराधना, आज का शेयरिंग खुदावन लोगों के जीवन में आशीष लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारी आदर में मां को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय।